नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग बात करेंगे विंडोज सर्वर के एक्टिव डायरेक्टरी के रेप्लिका सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अभी दो सर्वर है। एक सर्वर आप देख पा रहे हैं कि installer.guru के नाम से एक मास्टर डोमेन आईडी है, मास्टर डोमेन सर्वर है, जो मेरा एडीसी मेन एडी सर्वर है, मास्टर डीसी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास और एक डीसी सर्वर रहे जो कि इस सर्वर का एक रेप्लिका हो, इस डीसी के रोल का एक रेप्लिका सर्वर हो, मतलब मेरी एडीसी सर्वर हो, एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिका सर्वर हो मेरा। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीएम बना के रखा है, जो वीएम आप देख पा रहे हैं, जिसकी नाम है एडीआर, और ये अभी वर्कबुक में है। इसे हम लोग मेन मास्टर डोमेन से ऐड करेंगे और इसकी रेप्लिका एडीसी मतलब एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को क्रिएट करेंगे। तो रेप्लिका एडीसी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सर्वर मैनेजर में आएंगे। सर्वर मैनेजर के आप डैशबोर्ड से डायरेक्टली ऐड एंड रोल फीचर्स कर सकते हैं। इधर मैनेज में जाके ऐड एंड रोल फीचर करेंगे। आपके पास एक विजर्ड ओपन होगा, जिस विजर्ड के अंदर आपको रोल बेस्ड फीचर्स बेस्ड इंस्टॉलेशन लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो रोल है इसके अंदर आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को ऐड करना है। ये ऐड करते ही ऑटोमेटिकली एडीडीसी का जो टूल्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा फीचर्स में। अब इसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे और इसे इंस्टॉल करेंगे। रोल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पर फ्लैग के ऊपर हम लोग आएंगे और यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर करेंगे। इस विजर्ड को आपको ध्यान से देखना है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसमें तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू ए एग्जिस्टिंग डोमेन, जो हम लोग अभी आज परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड ए न्यू डोमेन कंट्रोलर टू ए एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, जो आपकी ऑलरेडी एक डोमेन कंट्रोलर है उसके ऊपर और एक डोमेन कंट्रोलर अगर आप उस फॉरेस्ट पे लेना चाहते हैं तो आप सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे। अदरवाइज आप जो है थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं, ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, मतलब नया ही एक डोमेन सर्वर आप क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग आज पहला ऑप्शन को चूज करेंगे, जो है ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू ए एग्जिस्टिंग डोमेन। तो इसमें आपको मांग रहा है कि डोमेन का नाम क्या है, तो डोमेन का नाम जो है यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए एडीसी का जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसकी हम लोगों को यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सप्लाई क्रेडेंशियल ADR मतलब कंप्यूटर का नेम / एडमिनिस्ट्रेटर हो चुका है, जो कि हमें चेंज करना है। हमारा जिस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्शन करना है उसका जो नेटवर्क नेम है वो है इंस्टॉलर और एक्सटेंशन है गुरु। तो इंस्टॉलर हम लोग यहाँ पर देंगे और उसके बाद इंस्टॉलर का पासवर्ड देंगे। मेन एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड यहाँ पर आपको देना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो है रिट्रीव करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेन मास्टर डोमेन मेरा सिलेक्ट हो चुका है, अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर है डोमेन नेम सिस्टम, मतलब ये ऑटोमेटिकली एक DNS सर्वर भी बन जाएगा, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ये रहेगा। और अगर आप यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर जो रेप्लिका डोमेन कंट्रोलर आप क्रिएट कर रहे हैं, इसे अगर आप ओनली रीड ओनली रखना चाहते हैं तो इसे आपको टिक करना है। मैं यहाँ पर रीड ओनली रखना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है साइट नेम। अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स है और मल्टीपल साइट्स में आप कनेक्टिविटी चाहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विस आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप जिस साइट के लिए डोमेन रेप्लिका बनाना चाहते हैं उस साइट को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर DSRM जो है पासवर्ड आपको देना है, DSRM पासवर्ड, जो कि आपका डोमेन का पासवर्ड होगा। ये पासवर्ड आप अलग रख सकते हैं, जो आपके डोमेन कंट्रोलर का पासवर्ड है, और ये पासवर्ड आप सेम भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं। रिकमेंडेड अलग रखना, जो है ज़्यादा सिक्योर है। नेक्स्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली DNS डेलीगेशन यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर रेप्लिका हम करना चाहते हैं एनी डोमेन कंट्रोलर, कोई सिलेक्टेड डोमेन कंट्रोलर मैं रखना नहीं चाहता हूँ, कि ऑटोमेटिकली रेप्लिका सर्वर डिसाइड करे कि कहाँ से रेप्लिका करना है। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपका डेटाबेस का फोल्डर है, विंडोज़ के अंदर NTDS और लॉग फाइल है और सिसबॉल फाइल है। इसकी लोकेशन भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्री रिक्विजिट जो भी ऑप्शन हम लोगों ने चूज किए उसे एक बार वेरीफाई किया जाएगा। अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेन डीसी सर्वर से सारे कनेक्टिविटी, सारे जो कैटलॉग वगैरह है, सारे जो आपका डेटाबेस वगैरह है, जो स्कीमा वगैरह है, वो सारे एक बार अपडेट होगा इस सर्वर पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिका सर्वर है ये रेडी हो चुका है। आप देख पा रहे हैं ADDC DNS वगैरह सारे इंस्टॉल्ड हो चुका है। अभी अगर इसके हम लोग स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे और विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली देख पा रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर कंप्यूटर साइट सर्विसेज DNS वगैरह सारे इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब एक एक करके ओपन करके हम लोग चेक करेंगे एक बार कि इसमें सारे रेप्लिका का सारे जोन वगैरह ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। सक्सेसफुली ये ट्रांसफ़र हो चुका है। अगर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इंस्टॉलर गुरु जो मेन डोमेन था उसकी सारी यूज़र्स यहाँ पर रेप्लिका हो चुका है, रेप्लिकेट हो चुका है और कनेक्टेड हो चुका है। अगर हम लोग डोमेन कंट्रोलर में जाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो DC दिखा रहे हैं, एक मास्टर है और एक आपका स्लैब है सेम डोमेन के ऊपर। यहाँ पर हम लोग अगर नया कोई यूज़र यहाँ पर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली मास्टर यूज़र क्रिएट हो जाता है दूसरे सर्वर में भी। अब देख पा रहे ये मैंने रेप्लिका सर्वर पे क्रिएट किया। अभी अगर मास्टर DC पे हम लोग आएंगे, मास्टर DC की अगर हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आएंगे और यहाँ पर मैं अगर यूज़र्स को देखूँगा तो कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएगा। इसके लिए एक रेप्लिकेशन कनेक्शन वगैरह एस्टेब्लिश होता है जो कि एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज के अगर आप जाएंगे उसके अंदर आप इस पर्टिकुलर सर्वर को देख पाएंगे जिसके अंदर अभी कोई भी रेप्लिकेशन मेथड स्टार्ट नहीं हुआ। तो आप यहाँ से मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड टाइम आपका 15 मिनट्स होता है। दोनों सर्वर पे अभी एक बार हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज को ओपन करेंगे। आप देख पा रहे हैं रेप्लिका सर्वर में ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो चुका है, ऑटो जनरेट हो चुका है। मैं इसे रेप्लिका नाउ करूँगा। तो रेप्लिकेशन कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है। अभी अगर हम लोग मास्टर में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हैं कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है ऑटो जनरेटेड। अभी अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स के अंदर आएंगे तो देख पा रहे हैं कि टेस्ट यूजर यहां पर क्रिएट हो चुका है और ये जो एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन का थ्रेशोल्ड बाय डिफॉल्ट टाइम रहता है वो 15 मिनट्स का रहता है। 15 मिनट्स के अंदर दोनों DC सर्वर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो इस तरह से आप एक्टिव डायरेक्टरी का एक रेप्लिका सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टरी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपका मेन डायरेक्टरी सर्वर में ज़्यादा लोड ना हो। मेन डायरेक्टरी सर्वर हमेशा जो है ना हाई परफॉर्मेंस रहे और दोनों के बीच में लोड की बैलेंस हो जाए यूज़र्स के। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़र है तो आप दो डोमेन कंट्रोलर रख सकते हैं। इसमें एक आपका मास्टर रहेगा, एक रेप्लिका होगा। जो रेप्लिका है वो अगर कभी मास्टर बंद हो जाए, मास्टर DC अगर किसी कारण से आप मेंटेनेंस के कारण बंद करते हैं तो आपको यूज़र्स को कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपका एडिशनल डायरेक्टरी सर्वर तब तक रनिंग रहेगा, तब तक उसकी परफॉर्मेंस यूज़र को देता रहेगा, यूज़र को कनेक्टिविटी देता रहेगा। तो इस तरह से विंडोज सर्वर पर आप दो एडिशनल, दो या तीन उससे ज़्यादा भी आप रेप्लिका
डायरेक्टरी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं और मास्टर डायरेक्टरी सर्वर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई मन में फिर भी सवाल या कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।